कोई विकास नहीं हुआ रेवाड़ी हलके में। तो भाई 6 बार तो कप्तान रह लियो, 3 बार उसका बाप रह लिया, 1 बार यो रह लियो, अब ये नु कैसे रेवाड़ी को विकास न हो? रेवाड़ी को विकास होगो कब? बहुत विकास करो, देख लियो रेवाड़ी का मैं कितना विकास हो रहा। कैंडिडेट ऐसे देखना चाहूँ जो ना तो इंद्रजीत आना चाहिए ना कांग्रेस वाले आने चाहिए, कोई और आ जाओ नयो। देखो माहौल तो आज अगर देखा जाए तो किसी पार्टी का नहीं है, बोलेगा तभी तो विकास होगा। राव साहब ने बहुत विकास करवाया है। चरणजीत राव ने कुछ नहीं किया, अपने कॉलेज में विकास कराया है, अपने खेतों के अंदर विकास कराया है। जब सिंचाई मंत्री थे तब इसने सारी सारी ईंटे का गलत प्रयोग किया और आप वहाँ इंक्वायरी करे तो उनके सारे खेतों में ईंट बिछी हुई है जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। ये कच्चे कान के आदमी है, इसने ये कह दिया कि वे गधे के सींग है तो ये मान लेंगे क्योंकि इनके दिमाग तो है नहीं। चरणजीत राव की 4थी पोजीशन है इस समय, ये मैं दावे से कहता हूँ, वादे से कहता हूँ। भाई कुछ भी नहीं करवाया, 10 साल हो गए, मतलब बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है। वो होता बीजेपी अब की बार नहीं बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतदान होना है, ऐसे में दैनिक साथी हरियाणा की टीम भी गांव-गांव व शहर-शहर जाकर मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास कर रही है। दैनिक साथी की टीम नेताओं के मन की बजाय सीधे मतदाताओं से उनके मुद्दों के अलावा उनका विधायक कैसा हो इसको जानने का भी प्रयास कर रही है। इसी के साथ हमारे भाग्य विधाताओं को भी असल मुद्दे व हकीकत का पता चल सके इसका प्रयास है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाताओं ने रेवाड़ी विधायक के पैतृक गांव सहित आसपास के गांव के मतदाताओं से भी बात की। अब आपको दिखाते हैं तमाम गांव के मतदाताओं ने राव, कैप्टन, भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य नेताओं पर क्या प्रतिक्रिया दी। मैं गाँव नारायणपुर से बलवंत जांगड़ा। बाबूजी चुनावी बिगुल बज चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है गांव में, कैसा माहौल है? माहौल ठीक नहीं है, यहाँ गलियों के अंदर खड्डे पड़े हैं और पानी भरा हुआ है, इसलिए गांव का सुधार नहीं हो रहा। ये सरकार काम की नहीं है। अब माहौल ऐसा आ रहा है कि कांग्रेस आए यहाँ और कुछ करके दिखाए। कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट अच्छा हो जो हर गांव से मिलकर रहे और अच्छा काम करे। किसकी सरकार देखना चाहते हो? पिछली सरकार काम की नहीं। किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की। बाबूजी क्या नाम है? ओम प्रकाश। कौन सा गांव है? सैनवास। बाबूजी चुनावी बिगुल बज चुका है, मैदान में भी काफी कैंडिडेट है। हाँ। कैसा कैंडिडेट चाहते हो जो आपके बीच में रहे, कैसा कैंडिडेट चाहते हो, कौन सरकार? जो पब्लिक के बीच में रहे, जो ना ऐसा लीडर होना चाहिए। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कितना विकास करवाया है? बीजेपी ने विकास ही किया है जो ना देश का, और जो ना किया ही क्या है। जो रहे राव इंद्रजीत में बीजेपी में सांसद है, उन्होंने लेकर उन्होंने कितनी कितना विकास किया है? उनका भी काफ़ी योगदान है भाई इस एरिया के लिए, जो एम्स लेकर आया है और काफ़ी काम हुए हैं। तो सैनिक स्कूल 6 बार रहे कांग्रेस से राव कप्तान सिंह, और अभी हाल ही में MLA चिरंजीव राव, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास करवाया है भाई? उनके हाथ में क्या था, कुछ भी नहीं था, विकास तो जो ना उन्होंने अपना किया है जो ना देश। बाबूजी पहले तो कप्तान ने सारे पद भी थे। हाँ। कप्तान साहब के पास यार, तो हमारे गांव में आके जो ना महाराज क्यों बुलवा रहा है जो। बाबूजी क्या नाम है? अशोक कुमार यादव। कौन सा गांव है? सहारनवास। चुनावी बिगुल बज चुका है, कैसी चर्चा है, कैसा माहौल चल रहा है? पूरे सहारनवास गाँव में बीजेपी की लहर है। हाल ही में रहे चिरंजीव राव, पहले उनके फादर रह चुके कप्तान इसी गांव से, कितना विकास क्षेत्र में करवाया है? चिरंजीव राव ने कुछ नहीं किया, अपने कॉलेज में विकास कराया है, अपने खेतों के अंदर विकास कराया है, अपने खेतों के आसपास जो रास्ते होते हैं जैसे हम दगड़ा कहते हैं देसी भाषा में, उसमें अपने खेतों के अंदर आप जाके देखो, उसने अपने खेतों के अंदर जो है ना सारे सारी ईंट बिछाई हुई है। जब सिंचाई मंत्री थे तब इसने सारी सारी ईंटे का गलत प्रयोग किया और आप वहाँ इंक्वायरी करे तो उनके सारे खेतों में ईंट बिछी हुई है जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। आप जाके देखो, उसने अपने जितना फार्म है इसका है उसमें सब में ईंटे सरकारी बिछाई हुई है। अगर नहीं हो तो आप जो कहो मैं जिम्मेवार हूँ। 6 बार रही कप्तान, पद भी काफी थे, फिर भी विकास नहीं हुआ, क्या कारण रहा? ये कच्चे कान के आदमी है, ये अगर किसी ने ये कह दिया कि वे गधे के सींग है तो ये मान लेंगे
क्योंकि इनके दिमाग तो है नहीं। और ये क्या करते हैं कि गांव के अंदर मेजोरिटी बना लेते हैं, अब भाई तेरे को 2 किले दे दे, तेरे को 5 किले दे दिया, तुम मेरी सिंचाई करो और तुम मुझे वोट दो। हमारे गांव सहारनवास में 60% लो कैटेगरी के आदमी है, SC SC जो भी लगा लो आप, ठीक है, और 40% जो अहीर बचे हैं उन अहीरों को ये क्या करते हैं, 20% जमीन देते हैं, किसी को 1 किला किसी को 2 किला दे करके और फिर वोट कलेक्ट करके, और सहारनवास में इस वजह से ये 80% वोट ले जाता है, इसका कारण यही है। लेकिन आसपास जो आप जाके देखिए सहारनवास को छोड़ करके, इसने कोई विकास नहीं कराया है, ये सिर्फ पैसे लेकर के नौकर लगाता था। मेरे गांव सहारनवास, लादवास, बालावास, सहीर, खड़गवास, ये 4-5 गाँव हैं, इस गाँव में इसने कोई विकास नहीं करा, किसी बच्चों को नौकरी नहीं लगाई। इसको जो कांग्रेस समय में ये होता था कि भाई 10 सीट दे दी कप्तान को, 10 दे दी किरण चौधरी को, 10 दे दी जो है इसको जो भी कांग्रेस नेता है उन 10 सीट मिल गई, ये 10 सीटों को क्या करता था कि पैसे लेकर के और बाहर के आदमी को नौकरी लगाता था। आज मेरे गांव सहारनवास में जो बच्चा अपने काबिल है वो अपनी योग्यता का आधार पर नौकरी कर रहा है, इसमें कप्तान ने आज तक 1 भी बच्चे को नौकरी नहीं लगाया, सिर्फ ये कि ये दबंगाई करता है और अपने गांव में जो है ना जो गरीब तबका लोग होते हैं उनको डरा धमका करके वोट ले जाता है, इस वजह से जीत गया। और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत गया, रणधीर कापड़ियास नहीं होता, सनी नहीं होता, तो इसकी चौथे स्थान पर, इसके चिरंजीव राव के चौथे स्थान पर होती कैटेगरी, लेकिन ठीक है वो 2 खड़े हो गए। अब कापड़ियावास है इसके रिश्तेदार है, कापड़ियावास इसके रिश्तेदार है, वो जानबूझ खड़ा होगा और अब की बार भी खड़ा होगा वो, लेकिन अब लोग पहचान चुके हैं कि कापड़ियावास कप्तान को जिताने के लिए ही खड़ा होता है, इस वजह से लोगों को पता लग गया है चिरंजीव राव की चौथी पोजीशन है इस समय, आज के समय अगर चुनाव होते हैं तो इसकी चौथी पोजीशन है, ये मैं दावे से कहता हूँ, वादे से कहता हूँ। रामानंद, कौन सा गाँव है? सहारनवास। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच्चों का कैसी चर्चा है, कैसा माहौल है? देखो माहौल तो आज अगर देखा जाए तो किसी पार्टी का नहीं है, ना कांग्रेस का है ना BJP का है, बराबर है दोनों। अगर ये बात है कि अपने मुद्दे कौन प्रभावशाली से रखते हैं वही ले जाएगा। दूसरी बात, हमें कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो इलाके के बारे में बोल सके, जब बोलेगा तभी तो विकास होगा, अगर जाके CM की चमचागिरी करे तो उस कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, वो तो बनाया ना बनाया बराबर बात है। सुनो, राव साहब ने बहुत विकास करवाया है, मैं करवाता हूँ आपको बात। नंबर एक, पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, इसमें पाली गोठड़ा के अंदर सैनिक स्कूल लेकर आए, एम्स लेकर आए, और जितना भी रेवाड़ी का बाईपास आज तक नहीं बना था राव साहब ने बनवाया है, जितने भी हाईवे बन रहे हैं रेवाड़ी को 4 हाईवे से जो कनेक्ट कर दिया है, ये सब राव साहब की मेहरबानी है, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। कैसी सरकार देखना चाहते हैं? हम वो सरकार देखना चाहते हैं जो पूरे इलाके के साथ भेदभाव ना करे, ना तो नौकरियों में भेदभाव करे, ना विकास में भेदभाव करे, सबको एक दृष्टि से देख के समान जो है विकास करें, ऐसी सरकार चाहते हैं। मेरा नाम है फ्लाइंग ऑफिसर राम निवास यादव, लादवास अहीर। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच चुका है लगातार, कैसी माहौल में गांव में कैसी चर्चा चल रही, गली मोहल्लों में कैसा कैंडिडेट चाहते हो? कैंडिडेट तो ऐसा चाहिए जो देश हित में काम करे, समाज हित में काम करे और राष्ट्र हित में काम करे, और राष्ट्र सर्वोपरि जो माने उसी कैंडिडेट को हम वोट देंगे। बाबूजी रही BJP ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? BJP ने काफ़ी विकास किया है, रूट लेवल से विकास किया है, और हम चाहते हैं जो हमारी इंटरनेशनल हमारी इमेज बनी है उसको BJP बरकरार रखे और आगे भी ऐसा ही काम करती रहे। हमारे करे राव साहब इंद्रजीत की बात, पहले कांग्रेस में रहे, अब हाल ही में सांसद, BJP में सांसद है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास करवाया? उन्होंने क्षेत्र में, वो घूमे फिरे कम है ये बात ज़रूर है, लेकिन क्षेत्र में विकास जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हुआ है, हम ये हम बात मानते हैं। ओवरऑल देश का विकास अच्छा हुआ है, हमारे क्षेत्र में एम्स लेके आए वो, उससे बड़ी बात शायद ही कोई हो, तो हम चाहते हैं फिर से BJP आए। बाबूजी क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह। कहाँ से हो? यहीं यादव नगर से। चुनाव बिल्कुल बच चुका है लगातार, हाँ जी, कैसा माहौल, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई कैंडिडेट तो कुछ बदलाव में है, बाकी अब कोई टिकट आएगी तभी तो पता लगे किसको मिल रही है। हाल ही में रहे MLA चिरंजीव राव, कितना क्षेत्र में विकास? भाई कताई ना करो,
पहले रहे सांसद में कांग्रेस राव साहब इंद्रजीत, अभी बीजेपी में भी सांसद है। उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास करा, उनने भी किमी बिना करो, थोड़ा बहुत करे उसे तो ठीक से नहीं, उनने बिना करो भाई। कहने का मतलब ना तो कांग्रेस ना बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, कोई ना करो भाई, देख रहा उन्हें निकलने रहा कौन ने। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। किस सरकार को देखते हो? वैसे सरकार बीजेपी की बढ़िया है, बाकी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ रेवाड़ी हलके में तो भाई। 6 बार तो कप्तान रह लियो, 3 बार उसका बाप रह लिया, 1 बार यो रह लियो, अब ये नुक ऐसे रेवाड़ी को विकास नहीं हो, रेवाड़ी को विकास होगो कब? कप्तान साहब सारे पद भी थे। हाँ बताओ, और आप वो आदमी कह रहा है कि विकास नहीं हुआ तो गलत बात है ना। बाबूजी क्या नाम है? नरेश कुमार है भाई। कौन सा गांव है? बुढ़पुर है जी। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच चुका है लगातार, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल है गांव में? चर्चाएं ये है जी गांव में तो माहौल पूरा बुढ़पुर में तो प्रशांत का है, टिकट अभी मिल जाएगी तो नया चेहरा ही हमारा टिकट इसको निकाल सकता है बीजेपी को। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना कार्य करवाया जी? कार्य सारा पूरा फुल है जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं छोड़ी हमें आके भाई आज तक कोई वो करे हो। 6 बार रहे कप्तान अजय यादव, अभी हाल ही में MLA चिरंजीव राव। नहीं हमारा रोड भी नहीं बने, नहीं हमारा रोड भी नहीं बने उनसे तो, अभी हमारा बीजेपी ने ही कराया है जी, और चारों तरफ से रास्ता मिला दिया और सारा काम बढ़िया कराया है उसने। कैसा कैंडिडेट चुनना पसंद करोगे? हम तो जी करेंगे अपने प्रशांत यादव को कि नया कैंडिडेट आए और वो काम प्रोग्रेस करे यहाँ, क्योंकि पुराना से तो काम होगा नहीं। अब बीजेपी की समझ आई थी, वो टिकट नए को दे देती है तो यहाँ की सीट भी बच जाएगी हमारी बीजेपी की। फतेह सिंह गांव काड़वास। चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा माहौल, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हैं? कैंडिडेट अच्छा देखना चाहे जी, जो राव साहब कैंडिडेट करेगा उसकी हम वोट देंगे। बीजेपी सरकार ने क्षेत्र में कितना विकास किया है? अच्छा विकास किया है, हरियाणा दक्षिण हरियाणा के बच्चे भी लगे हैं सर्विस में। बार कप्तान जीत चुके हैं अभी हाल ही में, उसके लड़के हैं MLA है चिरंजीव राव, उन्होंने रेवाड़ी क्षेत्र में कितना विकास किया? कुछ भी नहीं किया, खाक भी ना करे। बदलाव चाहते हो कहीं? बिल्कुल बदलाव चाहो। भाई साहब राजू, कौन सा काम है? चांदावास रेवाड़ी। कैसी चर्चाएं चल रही, चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? वह कैंडिडेट ऐसा देखना चाहो जो रेवाड़ी में विकास कर सके, बस ना कांग्रेस चाहवा ना बीजेपी चाहवा, रेवाड़ी में काम होना चाहिए बस। MLA रहे लगातार चिरंजीव राव, कितना विकास किया है? बहुत विकास करो, देख लियो रेवाड़ी का मैं कितना विकास हो रहा। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? बीजेपी सरकार ने नागर पर केंद्र सरकार ने करो है। तो कैसा कैंडिडेट देखना चाहते हो? कैंडिडेट ऐसा देखना चाहो जो ना तो इंद्रजीत आना चाहिए ना कांग्रेस वाले आना चाहिए, कोई और आ जाओ नयो। इंद्रजीत लगातार पहले कांग्रेस में सांसद थे, अभी बीजेपी में भी लगातार सांसद है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास किया है? क्षेत्र में विकास तो ना हो भाई बिल्कुल भी, रेवाड़ी में आके देख लो, कोई भी मंत्री आके देख जाओ। भाई मेरा जगजीत सिंह नाम है, गांव ढोकिया है। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच चुका है भाई साहब, कैसी चर्चा है, कैसा माहौल है जी? अब की बार सरकार बदलने का वो है, अब की बार कांग्रेस को मौका दिया जाएगा। हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जितना भी मतलब एरिया में उनका चर्चे भी हैं और काम भी बोलेगा, इसलिए हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करेंगे सपोर्ट। सरकार ने क्षेत्र में कितना विकास करवाया? भाई कुछ भी नहीं करवाया, 10 साल हो गए, मतलब एजुकेशन पे GST लगा दिया, सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ वो हो गया, अब के बदलेंगे सरकार भाई अपने। रहे राव साहब पहले लगातार कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में सांसद भी है, क्षेत्र में कितना विकास करवाया? क्षेत्र में भाई कुछ भी विकास नहीं है, बस ये है ये बन रहे हैं ये अपने नितिन गडकरी साहब ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर हैं करवा रहे हैं, रोड का ये काम हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। एम्स का आया हुआ था, एम्स भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी। कैसा कैंडिडेट देखना चाहोगे जी? ऐसा कि युवा के बारे में सोचे तभी आगे बढ़ेगा, एजुकेशन को आगे बढ़ावा दे, ये है। बीजेपी सरकार तो चोर है भाई, बिल्कुल बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी एरिया में कोई सपोर्ट नहीं है। अभी ये प्रशांत सन्नी है जो इधर मतलब थोड़ा वो होता, बीजेपी अब की बार नहीं बनेगी, ताऊ जी की बात से मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस सरकार है अब की बार भाई। बाबूजी क्या नाम है, कौन सा गांव है? नरेश कुमार नाम है जी, हुसैनपुर गाँव है जी। बाबूजी चुनाव बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसा कैंडिडेट देखते हो?
बिल्कुल चर्चा चुनाव कीजिए, कांग्रेस का जोर आजकल गांव में। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास करवाया? कुछ ना करो जी, अपना अपना कराया है और कुछ ना करो। और हमारे रही हाल ही में एमएलए चिरंजीवी राव ने, चिरंजीवी राव जी बढ़िया आदमी है और कामयाब आदमी है जी। बात करें राव इंद्रजीत, पहले भी कांग्रेस में थे, अब हाल ही में बीजेपी में सांसद है, उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास करवाया? उन्होंने तो किया कुछ काम जी। बाबूजी क्या नाम है, कौन सा गांव है? जयराम गांव लादोवास। बाबूजी चुनावी बिल्कुल बच चुका है, कैसी चर्चाएं चल रही है, कैसे कैंडिडेट देखना चाहते हो? भाई हम देश हित सबसे पहले मानते हैं, देश हित में मोदी सरकार सबसे बढ़िया है, हम मोदी को ही चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कितना विकास किया है? विकास ही विकास है, दुनिया में नाम हो रहा है, कौन पूछता था विदेशों में हिंदुओं को, पहले भारतवासियों को कोई पूछता ही नहीं था, अब वो तो ये तो मोदी की ही ताकत है जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा के भारतीयों को वापस बच्चों को लेके आया था, अभिनंदन को 24 घंटे में यहाँ लेके आ गया, ये बीजेपी मोदी की ही तो ताकत थी।